नमस्कार, आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब केस को डिस्कस करते हैं। आज हम लोग होम्योपैथी के माइंड मेटर पर चर्चा करेंगे और एक केस के माध्यम से कुछ रूब्रिकों को समझने का प्रयास करेंगे। केस है, खुजली का केस है। पिछले 2-3 वीडियो से खुजली का केस चल रहा है, तो वीडियो पूरा देखने का प्रयास करिएगा ताकि अच्छे से समझ सके और ज़रूरत पर इस्तेमाल कर सके। तो केस है कि एक व्यक्ति था, तो आया तो बोला कि देखिए ना, हम 2-4 दिन आगे एक तालाब में स्नान किए थे, उसी से लगता है कि खुजली हो गई है। और वो लुंगी पहन करके आया हुआ था, तो थोड़ा सा लुंगी हटा करके जहाँ खुजली हो रहा था वहाँ पर दिखाया। खुजली वाला जो पार्ट था उसको, जांघ में खुजली था, तो उसको, उस पार्ट को, खुजली वाले पार्ट को दिखाया कि देखिए यहाँ पर खुजली हो रही है, माने तो कि काफ़ी यहाँ पर खुजली हो रही है। और तालाब में नहाए थे ना, लगता है उसी से होबे किया है, उसी से हमको उम्मीद है कि उसी से हमें खुजली हुआ है तालाब में नहाने के बाद से ही। तो इतना ही केस था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर क्या रूब्रिक लिया जा सकता है और कौन सी दवा आ सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा निवेदन है कि थोड़ा चैनलवा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, थोड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, यहाँ पर एक रूब्रिक लिया गया, एक रूब्रिक है माइंड कंप्लेनिंग इमेजिनरी इंजरी ऑफ माइंड कंप्लेनिंग इमेजिनरी इंजरी ऑफ, माने काल्पनिक काल्पनिक इंजरी का बारे में बता रहा है। क्या बोल रहा है कि हम तालाब में नहाए थे, लगता है उसी से हमको खुजली हो गई है, वहीं से हमको माने कुछ नुकसान हुआ है, वहां में उसमें कुछ था जिसके चलते हमको ये खुजली धर लिया, उस पकड़ लिया। उसका कहने का मतलब ये है कि तालाब में ऐसा कुछ था, गंदगी वगैरह जो कुछ हो, उसी से हमको ये नुकसान हुआ, ये खुजली पकड़ लिया, वहीं से खुजली आया है। तो यही है कंप्लेनिंग, कंप्लेन कर रहा है। कंप्लेन क्या करता है, शिकायत करता है अथॉरिटी से। हमको जब कोई समस्या होता है, पानी समस्या, बिजली की समस्या, तो उस डिपार्टमेंट में जाकर के हम लोग कंप्लेन करते हैं सुधार के लिए। तो उसी तरह से वो ये कंप्लेन कर रहा है कि हमको वहीं तालाब में स्नान करने के कारण एक खुजली पकड़ लिया, वहाँ कुछ था, गंदगी हो चाहे जो कुछ भी हो, इसी के चलते हमको वहाँ से खुजली पकड़ लिया। और क्या किया, दूसरा नंबर जो पार्ट था खुजली वाला, जांघ वाला, उसको दिखाया, खोल करके दिखाया कि हमको खुजली यहाँ पर हो रहा है। तो इसको लिया नेकेड माइंड, नेकेड वांट टू बी, माने नेकेड वांट टू के मतलब क्या हुआ, वो नंगा होना चाहता है, जानकारी देना चाहता है, बताना चाहता है। नेकेड का मतलब है जो चीज उसके पास है, जो लोगों को जानकारी नहीं है, लोग उसके बारे में अज्ञान है, उसके बारे में जानकारी देना, अपने बारे में, अपने पास में उस बीमारी के बारे में जानकारी दे रहा है कि हमको इस ढंग के है, यहाँ पर है। तो ये हुआ नेगेट वांट टू बी, दिखाया। इस ढंग से भी इसको मानसिक रूबरी को पकड़ा जा सकता है। कोई चीज है, पेशेंट है, वो जो उसको माने दूसरों को जानकारी नहीं है, गुप्त चीज है, उसको वो दिखा देता है, निकट कर देता है, डिस्क्लोज कर देता है, कोई रहस्य है चाहे कुछ है, तो उसको अपने बारे में वो बता देता है। तो ऐसे अवस्था में भी इसको निकट वांट टू बी रूब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है। तो इन्हीं दो रूब्रिकों के आधार पर उसको हायोस्टाइमस दवा दी गई, और हायोसाइमस दवा से ही उसका जो खुजली था से ठीक हुआ।
अब सोचिए ये माइंड मेथड है, क्लचकल से कब हम लोग हायो सामस के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, तो कि हायो सामस दिया जाएगा क्लचकल मेथड से। तो यही है केस। जो लोग मेरा दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा केस था। अब इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।